कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हम अपने स्वभाव में नफरत ना लाकर के प्रीति लाएं। कहते हैं कि नफरत के जाल में जो फंस जाता है, जो नफरत के जाल में एक बार फंस जाए, वो व्यक्ति फिर गिरते ही जाता है, वो व्यक्ति फिर ऊपर उठ नहीं पाता है। कहते हैं कि नफरतों को जलाओ, प्रेम की रोशनी होगी। नफरतों को जलाओ, प्रेम की रोशनी होगी। इंसान जब भी जले हैं, राख ही हुए हैं, तो क्यों ना अपन नफरतों को दूर करके एक प्रीति और प्रेम और वात्सल्य का माहौल बनाए। नीतिकार कहते हैं कि दूसरों से नफरत करने वालों से एक दिन सारी दुनिया नफरत करती है। जो व्यक्ति हेटर्ड नेचर का होता है, वो हर किसी से नफरत करता है, वो गुण देखना नहीं पसंद करता, उसको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। हेट जो एक नेचर होता है, वो अगर आ गया तो वो नफरत आपको हमेशा हर किसी से नफरत कराएगी। बचपन से पचपन तक, सामान्य से विशेष तक नफरत किसी से ना करें, क्योंकि जीवन के हर दौर में नफरत को खुद से दूर रखना चाहिए। अगर आपने नफरत को जीवन के दौर में दूर नहीं रखा खुद से, तो आप भूल जाना कि कोई आपसे प्रीति करेगा। जब भी नफरत जागती है, मैंने देखा है, इंसानियत सो जाती है। माँ की जब नफरत जागती है, तो वो अपने गर्भ में बैठे बच्चे को भी मार देती है। मुझे नहीं चाहिए बेटी, तो मार देती है। जब बच्चों के अंदर नफरत जागती अपने लिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो वो आत्महत्या करते हैं। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को प्रेरित करें पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, आत्महत्या की प्रेरणा ना दें। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमें बच्चों को उतना ही पढ़ाना है जितने में वो हमारे बच्चे रहे। जितने माता पिता अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, चाहे कोटा भेजें, इंदौर भेजें, भोपाल भेजें, विदेश भेजें, कहीं भी भेजें, बच्चों को उतनी ही शिक्षा देना जितने में वो बच्चे आपके बने रहें। कंपटीशन के चक्कर में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, माता पिता से कहना अपने बच्चों को वापस बुला लें, हमारे बच्चे कीमती हैं, पढ़ाई उतनी कीमती नहीं है। बुढ़ापे में उनकी डिग्री आपका सहारा नहीं बनेगी, बुढ़ापे में बच्चे आपका सहारा बनेंगे। तो क्यों अपन उनसे नफरत करें कि उनका बेटा तो इतना आगे निकल गया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इस प्रकार के शब्द नफरत पैदा करते हैं। फिर से कहता हूं मैं, नफरतों को जलाओ, प्रेम की रोशनी होगी। इंसान जब भी जले हैं, राख ही हुए हैं। तो जब जलते हैं तो राख होते, तो जले क्यों? हम नफरत क्यों करें? हम क्यों ना एक दूसरे के गुण देख करके उसके साथ रहना प्रारंभ करें? आप देखना कि कोई भी आग हो, वो आग से प्रारंभ नहीं होती, वो चिंगारी से प्रारंभ होती है। एक कर्नाटक की घटना है, वहां लगभग 2000 एकड़ में चंदन के पेड़ जले। कितने एकड़ में? केवल बिजली गिरी एक पेड़ के ऊपर, उस एक पेड़ के सहारे पूरे 2000 एकड़ के चंदन के पेड़ जले। कुछ दिन पुरानी घटना है। पेड़ नहीं, 2000 एकड़ के पेड़। विचार करना कि वो आग लगी कैसे थी। वो जो आग लगी इतनी बड़ी, वो लगी कैसे थी? कहीं ना कहीं एक चिंगारी से ही आग प्रारंभ हुई थी। वो जो स्टार्टिंग है, उसको रोकना है। कल पद्म पुराण में बहुत सुंदर बात आई कि अयोध्या में वही लोग जो सीता और राम के जाने पर रो रहे थे, उनके बीच में से एक व्यक्ति ने बोलना प्रारंभ कर दिया कि रावण के पास रही थी,
तो रावण ने कुछ तो किया होगा। ये बात जब प्रारंभ हुई होगी तो किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क से प्रारंभ हुई होगी, कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जिसने नफरत चालू की होगी और उसने उस नफरत की गंदगी सब और फैला दी। क्यों ना अपन उस व्यक्ति से शिक्षा ले। सीता जी से नफरत करी तो अपवाद कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों से नफरत करते करते आप खुद से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि जैसा हम करते हैं सोचते हैं वैसा हम रिटर्न में हमारे पास आता है। तो क्यों ना अपने जीवन से एक चीज सीखे कि नफरत से दूरियां कैसे बनाए। नफरत हमारे लिए बहुत जहर से भी ज्यादा हानिकारक है। जहर खाओ तो व्यक्ति तड़पता तो है, नफरत करने वाला तड़पता नहीं, सिर्फ मरता है। डोंट हेट एनीवन, मैं अपनी बात कह रहा हूं आपसे कि किसी से नफरत मत करो। एवरीबडी इज लाइक यू, डोंट हेट एनीवन, एवरीवन इज लाइक यू। जैसे आप हैं वैसा ही वो इंसान भी है, जैसा आप सोचते वो भी सोचता है। नफरत को नहीं, प्रेम को हृदय में स्थान दे। मैंने बहुत सोचा कि नफरत होती क्यों है, परस्पर में जो नफरत होती है वो होती क्यों। सबसे पहले ईर्ष्या के कारण, किसी के गुण ना देख पाने के कारण। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को बड़ा लाभ हो जाए और वही फील्ड आपकी है और लाभ ना हो पाए, नफरत आती है। स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने गया हो, नंबर उसके कम आए, किसी के ज्यादा आ गए, उसको उससे नफरत हो जाती है। नफरत की जगह उसको ये सोचना चाहिए कि यहां तक पहुंचा कैसे। अगर ये सोचेगा तो वो वहां तक पहुंच सकता है, और अगर नफरत करेगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों ना अपन अपने मस्तिष्क को एक नया रास्ता दे। आप लोगों से पूछता हूं, कांटे का रास्ता अच्छा होता है कि गुलाब का? अगर कांटे का रास्ता मिले और गुलाब का रास्ता मिले, मंजिल सामने हो, तो कौन सा चुनोगे? हर कोई गुलाब का चुनेगा। तो नफरत करके अपन कांटे वाला रास्ता चुनते हैं, प्रेम करके अपन गुलाब वाला रास्ता चुनते हैं। जब रास्ता अच्छा हो तो क्यों ना चुना जाए। जब रास्ता पता ही है ये अच्छा है तो क्यों ना चुना जाए। और विशेष बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा नफरत व्यक्ति दूसरों के सुख देख करके करता है। दूसरों का सुख देखकर नफरत क्या करना। सोचो कि उसने भी तो पहले ऐसा किया था तो अच्छा मिला, मैं अच्छा करूंगा तो मुझे भी मिलेगा। मैं तो भगवान से हमेशा यही कहता हूं, भगवान मुझे सुख शांति दे और पड़ोसी को संतुष्टि दे। संसार में जितने लोगों को सुखी रहना उसका मंत्र बता रहा हूं। भगवान से कहना मुझे सुख शांति दे, दुख झेलने की शक्ति दे, और मेरे पड़ोसी को, मेरे साथ वाले को संतुष्टि दे। वो संतुष्ट रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, एक दूसरे की टांग खींचने वाला कोई नहीं होगा। और अंतिम बात है कि अगर आपको नफरत से बचना हो तो उसके कुछ रेमेडीज हैं, कुछ उपाय हैं। नफरत से बचने के तीन उपाय हैं। एक, अलर्टनेस, अलर्ट रहें कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है, अलर्ट रहें, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कोई कुछ भी कर ले, पेशेंस रखें, और पेशेंस रखने के साथ साथ इग्नोरेंस रखें। दुनिया आपके बारे में हर समय अच्छा नहीं सोचेगी, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, उसमें सार है। अलर्टनेस, पेशेंस और इग्नोरेंस, ये रेमेडीज हैं, ये उपाय हैं नफरत से बचने के। अगर आप ऐसा रहेंगे तो नफरत से बच पाएंगे। माना कि मुझसे अच्छी आवाज किसी की है तो मैं नफरत नहीं करता, मैं अनुमोदना करता हूं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। भगवान हर किसी को ऐसी आवाज दे, ऐसी अनुमोदना करने से मेरी आवाज भी अच्छी होगी। किसी का दिमाग अच्छा है, किसी का व्यापार अच्छा है, उनकी अनुमोदना करें, भाई तुम बहुत अच्छे हो। उनकी अनुमोदना करने से वो पुण्य वर्गणाएं तुम्हारे पास भी आएंगी। क्यों ना अपने आप को अपन सही रास्ते पर लेके आए। बहुत दिन हो गए गलत रास्ते चलते चलते। नफरत को नहीं, अपने अंदर में प्यार को जगा देना, क्योंकि इंसान जब भी जले हैं, राख हुए हैं, नफरतें जब भी जली हैं, प्रेम की रोशनी हुई है, अपने जीवन में इस नीति को जरूर उतारें। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।
नीति क्लास, नीति क्लास विश्व प्रसिद्ध।